हमारी मसाला फ्लेवरिंग मशीन है जिसमें आप इसमें अलग अलग तरीके के टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनें लगती हैं और कौन सा आलू लगता है जिससे हमारी चिप्स बनाई जाती है, क्योंकि नॉर्मल जो आलू मार्केट में मिलता है उससे आपकी चिप्स नहीं बनेगी दोस्तों, इसीलिए आपको स्पेशल आलू की जरूरत पड़ती है चिप्स बनाने के लिए। तो वो आलू कौन सा लगता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं मशीनें कौन कौन सी लगती है, तो पहले मैं एक बार आपको मशीनें दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चिप्स बनाने के लिए जो हमारी सबसे पहली मशीन होती है, यह है आपका पोटैटो पीलिंग मशीन, जिसमें आप ये देख सकते हो मार्केट से आपको इस तरीके से आलू लेके आने हैं। मार्केट से आप कहीं से भी आलू ला के अपना चिप्स बना सकते हैं। तो आलू ला करके इस मशीन में आपको एक बार में डालने होते हैं और ये एक मिनट के अंदर आपका इनका आलू को छीलेगी भी और इनको वॉश भी करेगी। तो कैसे ये काम करती है एक बार हम आपको इसको चला के दिखा देते हैं। इसका जो बैच टाइम होता है दोस्तों करीब एक मिनट में आपका 15 kg का ये बैच बनाती है। तो हम आपको एक बार बैच बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था पोटैटो पीलर के द्वारा हमारे कैसे आलू छिले थे और कैसे वॉश हुए थे, अब उसको वहां से निकालने के बाद हम एक बार बकेट में दोबारा आलू को धोते हैं ताकि उनके अंदर की थोड़ी बहुत गंदगी जो है वो दोबारा निकल सके। उसके बाद ये आती है हमारा चिप्स कटर मशीन, जिसमें हम अपना आलू डालेंगे और अपना चिप्स काट के आपको निकाल के दिखाएंगे। तो इस मशीन में आप तीन तरह का चिप्स निकाल सकते हैं, आपको प्लेन चिप्स चाहिए प्लेन चिप्स बना सकते हैं, आपको जिगजैग चिप्स चाहिए जिगजैग बना सकते हैं, या फ्रेंच फ्राइज बहुत ही लच्छा चिप्स वो भी आप इसमें बना सकते हैं। और ये एक घंटे में आपका 300 किलो का प्रोडक्शन करती है। तो एक बार इसको चला के हम दिखाते हैं कैसे वर्क करती है। चलाइए जैसा आपका चिप्स का मोटा पतला जैसा आपको काटना है वो आप अपने हिसाब से डाई पे एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे ही आपका चिप्स कटेगा। और जो इसकी शेप होती है वो आलू के अकॉर्डिंग होती है कि कितना मोटा आलू उसके हिसाब से शेप बनेगी। बाकी इस मोटाई को आप ब्लेड को एडजस्ट करके मोटा पतला कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर आलू डालना है और डालने के बाद ये तुरंत एडजस्ट काट काट के निकालते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि आपका प्लेन चिप्स बन रहा है, तो अभी आपको हम इसमें चिप्स चिप्स बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है अभी हमारा चिप्स कटर के द्वारा कैसे चिप्स काटी गई है, अभी आपको दूसरी तरीके की चिप्स भी काट के दिखाएंगे। जब आप चिप्स काटते हैं तो काटने के बाद उनको इसमें आपको धोना पड़ता है। इसमें आप तो देखोगे झाग जो होते हैं उनको एक से दो बार धोने पर आपका जो इसके अंदर स्टार्च होता है वो सारा का सारा निकल जाएगा और आपकी चिप्स एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनेगी आपको दोस्तों। तो यहाँ से एक दो बार धोने के बाद फिर उसका यूज होता है हमारा इस हाइड्रो का,
इस हाइड्रो की मदद से जो इसके अंदर पानी नमी होती है वो निकाली जाती है ताकि हमारी फिश अच्छे से फ्राई हो। तो हम हाइड्रो के द्वारा एक बार आपको इनका पानी निकाल के दिखाते हैं कैसे इसका मॉइस्चर निकालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर जो नमी थी पानी थी वो निकल गया है। अब ये रेडी है हमारा चिप्स फ्राई होने के लिए। अब इनको हम डाल के आपको फ्राई करके दिखाएंगे। तो दोस्तों चिप्स फ्राई होने के बाद ये हमारी ऑटोमेटिक फ्लेवरिंग मशीन है जिसमें आप क्रीम ऑनियन टेंगी टमाटो या कोई स्पेशल फ्लेवर आपको बनाना है तो इसमें आप डाल करके उसको टेस्ट दे सकते हैं और ऑटोमेटिक ये आपका फ्लेवरिंग कर देगी। उसके बाद आप उनको ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की मदद से पैकिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन है। ये कप फिलर पैकिंग मशीन है दोस्तों। तो ध्यान आपको देना होगा कि चिप्स पैक करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा में कन्वेयर लेनी पड़ेगी क्योंकि चिप्स आपका कन्वेयर के द्वारा पैक होते हैं। बाकी अदर प्रोडक्ट जैसे आपके कुरकुरे नमकीन पफ आपका चाय की पत्ती दाल दलिया वगैरह वो सब कुछ ऑटोमेटिक पैक होगा। सिर्फ चिप्स के लिए आपको कन्वेयर लेनी होगी। बाकी इस प्रोसेस को समझने के लिए आप हमको एक बार डिस्कस कर सकते हैं या हमारी कंपनी में आके विजिट कर सकते हैं। तब हम आपको पूरा डीपली समझा देंगे कि चिप्स के लिए कौन सी मशीन स्पेशल होती है और बाकी प्रोडक्ट के लिए कौन सी मशीन आपको फ़ायदा देगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है ये हमारा पोटैटो चिप्स का सेटअप था जिसमें मैंने आपको सारी मशीनें दिखाई है। तो दोस्तों मशीनें तो हमारे पास मिलती है लेकिन इसको चलाने के लिए इसको बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगेगा अब आपको रॉ मटेरियल के बारे में बता देता हूँ क्योंकि शुरुआत में मैंने बोला था कि आपको इसके लिए जो आलू लगता है वो कौन सा होता है। आप जो नॉर्मल मार्केट में आलू देखते हैं जिनके आप सब्जी बनाकर खाते हैं तो वो आलू से अगर आप चिप्स बनाते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों अभी हमने जो आपको डेमो पर्पज से पूरा सेटअप चला के दिखाया है इसमें हमने मार्केट से ऐसा ही नॉर्मल आलू मंगाया है जिसमें आपने देखा होगा पोटैटो पीलिंग अच्छा हुआ है स्लाइसिंग अच्छा हुआ है हाइड्रो से पानी अच्छा निकल गया लेकिन फ्राई करने के बाद उसका कलर आपका चेंज हो गया है। तो नॉर्मल आलू में सिर्फ यही नुकसान होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है वो लाल पड़ जाता है तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसके लिए आपको स्पेशल आलू की जरूरत पड़ेगी जो कि चिप सोना नाम से जाना जाता है। ये हर जगह मिल तो जाता है लेकिन इसको चिप सोना के नाम से बोला जाता है और ये नॉर्मल आलू से 1-2 रुपए किलो आपको महंगा मिलेगा। अगर इस आलू के बारे में आपको ज्यादा जानकारी ना हो तो एक बार जब आप हमसे मशीन लो तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कहाँ से आपको और किस रेट में बढ़िया मिलेगा और कौन सा आलू बेस्ट होता है चिप्स बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि पूरे सेटअप को चलाने के लिए आपको जगह कितनी चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम आप 700-800 स्क्वायर फीट से भी अपना ये सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए जो लाइट होती है लाइट आप सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप सिंगल फेस में करते हो तो आपको एक कढ़ाई भट्टी यूज करनी पड़ेगी जो नॉर्मली गैस भट्टी या कढ़ाई भट्टी होती है डीजल वाली उससे आप अपना चिप्स का सेटअप शुरुआत कर सकते हैं। या जो आज हमने आपको सेटअप दिखाया इसमें हमारा गैस फ्रायर है जो कि पूरा स्टील की फ्रायर मशीन है उसमें अपना फ्यूल जो लगता है वो गैस लगता है।
तो ये गैस फ्रायर के साथ भी अपना चिप का प्लांट लगा सकते हैं। और इससे ऊपर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्रायर मशीन, जिससे आप बिजली से ही अपना ऑयल गर्म करोगे और उसके द्वारा ही अपना प्रोडक्शन करोगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में कि चिप के प्लांट के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो हमारा कढ़ाई भट्टी वाला सेटअप है वो है आपका करीब 3.5 लाख रुपए का, जिसमें आपको आलू छीलने की मशीन, चिप्स काटने की मशीन, आपका पानी निकालने वाला हाइड्रो मशीन और आपका कढ़ाई भट्टी आपको लगानी पड़ेगी। चाहे वो गैस वाली लगाओ चाहे डीजल वाली, दोनों में से चॉइस आपकी है वो हम आपको दे देंगे, जिसमें भट्टी और आपका करीब 3 फीट की कढ़ाई और उसको पलटने वाले 2 से 3 पलड़े आपके पूरा सेट आपको मिलेगा। उसके बाद आपका फ्लेवरिंग मशीन आएगा और उसके बाद आपका पाउच पैकिंग मशीन है और एक आपका एयर कंप्रेसर होगा। ये सारा कुछ मिला के आपको 3.5 लाख रुपए में आप अपने घर की बिजली से ही घर बैठे अपना बिजली शुरू कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो जैसा आप आपने देखा है ये गैस फ्रायर, इसके साथ आपको पड़ेगा करीब ये 3,90,000 रुपए। दोस्तों 3,90,000 रुपए में आप अपना खुद का सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी में अपना काम करने को मिलेगा, क्योंकि गैस फ्रायर आपका पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील है और आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, उसको यूज करना बहुत ही इजी है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्रायर प्लांट, जिसमें हमारा फ्राई करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्रायर लगेगा। उसके साथ अगर आप ये पूरा सेटअप लेते हो तो इसकी कीमत आपको करीब 4.5 लाख रुपए पड़ेगी, यानी कि 4.5 लाख रुपए में आप पोटैटो चिप्स का प्लांट अपना खुद का शुरू कर सकते हैं और सारी की सारी मशीनें आपकी इलेक्ट्रिक से चलेंगी, आपको अलग से गैस या डीजल वगैरह कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक कीजिएगा, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल आपको बताइए हिंदुस्तान बोर्ड मशीनिंग, वहां जाकर के आप नए नए वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।